आज के इस वीडियो में हम आपको आपकी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए चार टेक्निक्स बताएंगे। सबसे पहली टेक्निक है, हमें लाउडनेस के साथ बोलना है। लाउडनेस कि जिसका मतलब होता है हमारे बोलने में वॉल्यूम का होना। हमारे बोलने में वॉल्यूम नॉर्मल होना चाहिए, मतलब कि लाउडनेस नॉर्मल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो बोलते हैं उस वक्त उनकी आवाज बहुत ही धीमी होती है, तो हमें याद रखना है कि हमारी आवाज धीमी नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल आवाज होगी तो लोग हमें सुनना पसंद करेंगे, लोग हमारी बातों को समझ पाएंगे, यह हमें फायदा होगा। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि लाउडनेस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कभी कभार लोग चिल्ला कर बोल रहे हैं वैसा लगता है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। अभी हम इस वीडियो के अंदर जितनी लाउडनेस के साथ बोल रहे हैं उतनी लाउडनेस आप रूटीन लाइफ में रख सकते हैं। तो यह हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए थी। अब आगे बढ़ते हैं और वॉइस को बेहतर बनाने के लिए दूसरी टेक्निक के बारे में जानते हैं, और वो यह है कि हमें बोलते समय पिच नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करना है। पिच बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि वैसे भी ये नाम टेक्निकल नाम है। पिच दो प्रकार की होती है, लो पिच और हाई पिच। हम बात करेंगे हाई पिच के बारे में, क्योंकि लो पिच का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो हाई पिच का इस्तेमाल करना मतलब कि हम जो भी शब्दों को बोल रहे हैं उन शब्दों के ऊपर भार देकर बोलना, यह बहुत जरूरी है। अगर हम शब्दों के ऊपर भार देकर बोलेंगे तो हमारा बोलना लोगों को इफेक्टिव लगेगा। हाँ जी, हमारा बोलना लोगों को इफेक्टिव लगेगा और लोगों को हमारे बोलने से हम बहुत ही जल्द इम्प्रेस कर पाएंगे। इसमें हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे। मान लीजिए कि आपको कहना है कि हमें हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को शानदार बनानी चाहिए। इस वाक्य को पिच के साथ कैसे बोलना चाहिए? तो कुछ इस प्रकार से, हमें हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को शानदार बनाना चाहिए। हर एक शब्द के ऊपर हमने पिच का इस्तेमाल किया हुआ है, हम भार देकर शब्दों को बोल रहे थे। तो यह बात याद रखनी है कि अगर हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो पिच का होना कंपलसरी है। ये हमारी दूसरी टेक्निक थी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए जो तीसरी तकनीक हम आपको बताने जा रहे हैं वो यह है कि हमें हमारे बोलने में क्लैरिटी का इस्तेमाल करना है। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। क्लैरिटी का मतलब होता है जब भी हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो उस शब्द के सभी अक्षर हमारे बोलने में आए और वे सभी अक्षर सामने वाले व्यक्ति को क्लियरली सुनाई दे, यह क्लैरिटी का मीनिंग होता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वे जब बोलते हैं तो उनके कुछ शब्दों में क्लैरिटी नहीं होती है। मतलब वे बोल तो देते हैं लेकिन लिसनर्स को वे शब्द समझ नहीं आते हैं। हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से यह बात बताएंगे। मान लीजिए कि किसी एक डॉक्टर को एक सेंटेंस बोलना है। सेंटेंस कुछ इस प्रकार का है, आपको जो प्रॉब्लम हुई है उसे अक्लूशन कहा जाता है
और अक्लूशन का फिलहाल कोई भी इलाज नहीं है। अब यहाँ पर जो हम आपको बात कह रहे हैं वो सेंटेंस में हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उस शब्द को हमने उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं बोला था कि जितनी क्लैरिटी के साथ हमें बोलना चाहिए। और वैसा ही लोगों को हम देखते हैं कि वे बोलते हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे बोला जा सकता है यह जानते हैं। इसमें हम जो शब्द है उसमें क्लैरिटी का इस्तेमाल करेंगे, आपको अंदाजा भी आ जाएगा क्योंकि वो शब्द को हम बोलेंगे ही वैसे कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस शब्द में कौन कौन से अक्षर है। तो वापस यह वाक्य सुनिएगा, आपको जो प्रॉब्लम हुई है उसे अक्लूजन कहा जाता है। हाँ जी, उसे अक्लूशन कहा जाता है। और अक्लूशन का वर्तमान में कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो बोला उसमें जो शब्द है अक्लूशन, उसमें सभी अक्षरों को क्लियरली बोला कि जिसके कारण लोगों को वह शब्द सुनाई दे प्रॉपरली और समझ में भी आ जाए। तो ऐसा ही हमारे बोलने में, हमें रूटीन लाइफ में फॉलो करना है। हम जब भी कुछ बोलते हैं तो उस बोलने में शब्द के सभी अक्षरों को क्लैरिटी के साथ बोलने हैं। यह हमारी तीसरी एडवाइस थी। अब इस वीडियो के अंदर हमारी अंतिम जो एक सलाह आप लोगों के लिए है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 4, वो है कि हमें लोगों के साथ पोलाइट टोन में बात करनी है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वे जब बोलते हैं तब उनका टोन पोलाइट नहीं होता है और उसके कारण वो टोन या तो अच्छा नहीं लगता है या फिर नॉर्मल लगता है। तो अगर हम हमारे बोलने में हमारा टोन पोलाइट रखेंगे तो हमारा बोलना लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और हम भी हमारे बोलने से सेटिस्फाइड होंगे। तो पोलाइट टोन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम कुछ उदाहरण आपको देते हैं कि आप किन किन परिस्थितियों में पोलाइट टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी कार ड्राइवर को कहना हो कि आप उस बिल्डिंग के नीचे जो ओपन एरिया है वहाँ पर गाड़ी रोकिएगा, तो आप इसे पोलाइट टोन में कैसे कह सकते हैं? कुछ इस प्रकार से, अच्छा भैया उस बिल्डिंग के नीचे जो ओपन एरिया है ना वहां पर गाड़ी रोकिएगा ना, ये पोलाइट टोन है, विनम्रता के साथ बोला हुआ वाक्य है। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि आपको किसी शोरूम में कहना हो कि क्या आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो इसे कैसे बोला जा सकता है? कुछ इस प्रकार से, अच्छा भैया आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं? हम ऐसे बोलेंगे तो हमारा बोलना पोलाइट लगेगा। फिर एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है। मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर आप फीडबैक देते हैं कि आपका खाना अच्छा था, हमें वह डिलीशियस लगा, लेकिन आपकी सर्विस अच्छी नहीं थी, तो यह आप कैसे पोलाइट टोन में बोल सकते हैं? कुछ इस प्रकार से, अच्छा भैया आपका खाना बहुत ही अच्छा था, हमें वह डिलीशियस लगा, हम खुश हुए, लेकिन आपकी जो सर्विस थी वो सर्विस हमें उतनी अच्छी नहीं लगी। दरअसल जो हमने ऑर्डर दिया हुआ था उसके देने के बाद हमें जो इंतज़ार करना पड़ा वो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, और उसके अलावा हम आपके स्टाफ को जो कह रहे थे वे चीज़ें सुनने के बाद करते हुए कुछ और ही थे, तो हमें सर्विस में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, खाना अच्छा था। तो यह हमने जो बोला वो पोलाइटली बोला।
तो हमें ऐसे हमारे पोलाइट टोन का इस्तेमाल करना चाहिए और बोलना चाहिए कि जिसके कारण हमारी वॉइस लोगों को अच्छी लगे, कि जिससे हमें भी मजा आए। यह हमारी चौथी सलाह थी। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपके साथ चार टेक्निक्स को शेयर की कि जिनकी मदद से हम हमारी वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।